यूएसए चैनल बनाकर क्रिस्टियो रोनाल्डो की वीडियो को कॉपी पेस्ट करके 8 से 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। वैसे इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, बट उस वीडियो में मैंने कंटेंट और डाला था। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने वो उस वीडियो को देखा, अपना चैनल बनाया, यूएसए बेस बनाया, काम किया और उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो गया है और कई लोगों ने तो कई कई लाख रुपए महीना भी कमा लिए है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रिस्टियो रोनाल्डो की वीडियो को कॉपी करना है, एडिट करना है, पेस्ट करना है यानी कि, और अपने चैनल पे अपलोड करना है। किस तरह से आपको चैनल बनाना है, किस तरह से आपको वीडियो को कॉपी करके उसको एडिट करना है, किस तरह से थंबनेल बनाना है जिससे कि आपके कॉपीराइट स्ट्राइक से भी बचना है, कॉपीराइट क्लेम से भी बचना है और आपके पेज पे रियूज कंटेंट भी नहीं आएगा। आपको बता दूं, एक दिन के अंदर ही आप 30 वीडियो को टारगेट लेके बना सकते हो और एक दिन में ही वीडियो बना लो और उसके बाद लगातार 30 दिन तक वीडियो को अपलोड करो। अब वो कैसे बनाएंगे और कैसे आप रोनाल्डो की वीडियो को कॉपी करके एडिट करके किस तरह से थंबनेल बनाएंगे और यूएसए बेस्ड चैनल किस तरह से बनाया जाता है, कैसे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी और किस तरह से आपको पैसा कमाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि भाई आपका भाई है, आपको अर्निंग कराता है। सबसे पहले आपको अपनी एक ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी। ईमेल आईडी आप इंडिया के नंबर से ही बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ईमेल आईडी बनाई हुई है और उसी ईमेल आईडी पे मैं यूट्यूब चैनल बनाने वाला हूं। तो देखने की कोशिश करोगे, मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बनाए थे, ठीक है, और उस यूट्यूब चैनल पे भाई व्यूज भी आ गए, सब्सक्राइबर भी आ गए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था। तो ये यूट्यूब चैनल देख सकते हो, मैंने यूएसए के लिए एक वीडियो डाली थी इसमें और आप देख सकते हो अपना आप ही 796 पे चली गई ये वीडियो और यहाँ पे आप देख सकते हो 29 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ट्रिक बताता हूँ आपको सही बताता हूँ। आज फिर आपके सामने एक ब्रांड यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, वो भी यूएसए बेस्ड, और आपको लोगो लगाना बताऊंगा, यानी कि जो इसका लोगो होता है ये वाला यूट्यूब चैनल का, और बैकग्राउंड भी कैसे बनाते हैं सब कुछ समझा दूंगा, कोई टेंशन न लो आप। तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, स्विच अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास जाना, देखो 3 चैनल मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे, आज 14 चैनल बना रहा हूँ इसी मेल आईडी पे। क्रिएट ए चैनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिस्टो रोनाल्डो लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना क्रिस्टो है ना, ये यू आर क्रिस्टो है, तो आपको क्या क्रिस्टो रोनाल्डो लिखना है। तो यहाँ पे ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, ये आपको कॉपी कर लेना है और ये है ना लिखा है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यहाँ पे कॉपी करना है आपको और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूएसए क्रिस्टो रोनाल्डो, ये चैनल का नाम होगा और उस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे आ जाएगा, ये बोल रहा है कि वेरीफाई करना पड़ेगा आपको अकाउंट को, तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपना एक नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोड, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है, बट अभी ना दोस्तों को कस्टमाइजेशन हुआ है और न ही यहाँ पे लोगो या चैनल का आर्ट लगा है। तो यहाँ पे आप जाओगे प्रोफाइल पे ऊपर की तरफ और यहाँ पे स्विच अकाउंट करोगे और यहाँ पे आपको चूज कर लेना है यूएसए क्रिस्टो रोनाल्डो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, कस्टमाइजेशन चैनल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप जो है ना यहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फटाफट से बैनर और पिक्चर बना लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाना पड़ेगा। तो गूगल में जाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे इमेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कोई भी इमेज आप ले सकते हो एचडी क्वालिटी में। मान लिया दोस्तों ये इमेज हमें पसंद आई है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और उसको सेव इमेज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, कैनवा पे जाना है। तो कैनवा है क्रिएटेड डिजाइन और यहाँ पे लोगो आ जाएगा, लोगो के लिए क्लिक करना है। यहाँ पे किसी पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, बस यहाँ से इसको हटाना है और वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पिक यहाँ पे डाल देना। अपलोड पे जाना है, अपलोड फाइल पे जाना है और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये यहाँ पे आ गया है, ऐसे आपको कर। वैसे आप चाहो तो इसको जो है ना बीजी रिमूव भी कर सकते हैं। बीजी रिमूव मैंने इस वजह से किया है क्योंकि मेरे पास है इसका प्रीमियम वर्जन, तो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। अब मेरे को शेयर करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, पीएनजी पे जाके आप मेरे को यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मेरे का लोगो बन चुका है, ठीक है। अब इस लोगो को लगाने के लिए मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा, ये यहाँ पे है। तो आपको कस्टमाइजेशन प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा जो आपने अभी लोगो बनाया है और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करते ही आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है, इसका मतलब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यूएसए का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बैनर भी बनाना है, बिना बैनर के आपका काम नहीं चलेगा। तो कैनवा में दोबारा से जाना है और मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से एक बार, और हटाने के बाद में यहाँ पे है यूट्यूब चैनल बैनर, ये यूट्यूब बैनर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैनर आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी आपका मन है उसको आप ले सकते हो। मान लिया मेरे को पता ये अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ऐसा ये भागने वाला भी है, तो बस मुझे यहाँ से हटाना है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे मुझे लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे लिख दिया, उसके बाद मुझे यहाँ पे होम वर्कआउट माइंड सेट ट्रेनर ये जो भी मुझे लिखना है वो लिख सकता हूँ, और इसको मैं छोटा सा कर दूंगा थोड़ा यहाँ जिससे कि अच्छा लगे, और
ये वर्क आउट, ये कोच वगैरह सब मैं हटा दूंगा, यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ऐसे, ठीक है, उसके भी ऊपर कर दूंगा ऐसे, ठीक है। माइंड सेट, टिप्स, ट्रेनिंग, प्लानिंग, जो भी आपका थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर फोटो लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, बिजी रिमूव मुझे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है ना इसको थोड़ा सा ऐसे लगा सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि किस हिसाब से आप काम करना चाहते हो। आप चाहो तो उसको जो है ना बैकहेंड में भी लेके जा सकते हो, यहाँ पे ऐसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे ऊपर ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया, फ्रंट पे मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, ये थोड़ा सा छोटा और करूंगा इसको, क्या पता आएगा नहीं आएगा। उसके बाद मुझे क्या करना, शेयर करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट करना है ऐसे और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो हमारा क्या है, चैनल आर्ट कंप्लीट हो गया है। अब चैनल आर्ट कंप्लीट हो गया, हमें अपने चैनल पे जाना है, ये है बैनर का इमेज का, अपलोड पे क्लिक करना है। जो हमने बनाया है अभी बैनर वो हमें सेलेक्ट करना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ चुका है, देखो एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, थोड़ा इधर वो कर देना उसको, और क्या, डन पे क्लिक करेंगे। अभी मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ उसको और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा ये जो चैनल है वो यहाँ पे बन गया है, ठीक है, जिसमें कि हमारा बैनर इमेज, पिक्चर और साथ ही साथ यहाँ पे ना यूएसए चैनल नाम तो आ गया। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे हैंडल जो है ना वो यहाँ पे आप ले सकते हो, यूएसए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नहीं है, तो यहाँ पे आप मतलब अंडरस्कोर वगैरह लेके देख लो, अगर मिल जाए आपको तो यहाँ पे यूएसए क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिल गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करोगा और यहाँ पे भी आप जो है ना अंडरस्कोर लगा लेना अगर आप सबसे पहले बना रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गो टू चैनल पे क्लिक करूंगा। अब आप देखने की कोशिश करोगे यहाँ पे सब कुछ तैयार हो चुका है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पे भूल गया हूँ, जब आपका चैनल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो आपको सेटिंग्स पे जाना पड़ता है। सेटिंग्स पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको चैनल पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्री, तो कंट्री पे नीचे की तरफ जाओगे और यहाँ पे आपको जो है ना यूएसए मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ये मिलेगा। और यहाँ पे कीवर्ड्स जो आपके चैनल का नाम आपने रखा है ना वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे डाल देना है, ये ऐसे एक बार स्पेस के साथ स्पेस के डाल देना है। उसके बाद अपलोड में जाना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जाके यहाँ पे आपको अनलिस्टेड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे टैग्स में भी आपको यूएसए क्रिस्टियानो रोनाल्डो डाल देना है, ये काम आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके यूट्यूब चैनल की अब प्रॉपर सेटिंग हो चुकी है। फुल कस्टमाइजेशन के लिए तो मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा। अच्छा आपको बता दूं कि मैंने एक चैनल ओपन किया है जिसका नाम है टैग होफ। इस यूट्यूब चैनल पे जितनी भी मैं इक्विपमेंट्स होते हैं मेरे, जैसे कि मेरा रिंग लाइट हो गया, मेरा कैमरा हो गया, माइक हो गया, सिस्टम हो गया, रिंग लाइट हो गया, पीछे डिजिटल बोर्ड हो गया, इस पे सब की मैं अनबॉक्सिंग करता हूं। वो चैनल आप सब्सक्राइब जरूर से करना, उस पे आपको बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि मैं इक्विपमेंट उस पे ऐसे ऐसे ला रहा हूं जो बिल्कुल रियल है और कम प्राइस के है। क्योंकि काफी सारे लोगों का जो माइंड है ना वो खराब रहता है, वो ये सोचते हैं कौन सा सामान लूँ, कौन सा इक्विपमेंट लूँ, कौन सा सिस्टम लूँ, कौन सा माइक लूँ, ठीक है, कौन सा कैमरा लूँ, सारे के सारे डाउट जो है ना इस चैनल पे आपको खत्म हो जाएंगे। इस यूट्यूब चैनल को सिर्फ तभी सब्सक्राइब करना है जब आपको लगे मुझे 4-5 लाख रुपए महीना कमाने हैं, तभी सब्सक्राइब करना। क्योंकि बहुत सारे जो लोग है ना आपको गलत आइटम दिला देते हैं, फिर मजा नहीं आता। देखो रोड माइक ले रखा है मैंने, किस वजह से ले रखा है, जिससे कि आपको अच्छी क्वालिटी दे सकूं। देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के चैनल पे अगर रियल वाले चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे ना बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है ना कई सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट करने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग की जरूरत होती है, ऐसे नहीं कि उठा के आपको डालनी है। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे कि इसने बताया ए माई थॉट माई, ठीक है, इसने बोला कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो यहाँ पे इसने बताया टॉक विद माई फ्रेंड, ठीक है, इसने ये भी बताया, तो आपके ऊपर डिपेंड है। चलो मैं आप रेंडमली मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे बना देता हूँ आपके सामने, जैसे कि मान ली ये वीडियो मुझे पसंद आई है, इसकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, और इसने क्या बताया कि आई रियल रीजन वाई आई क्राइड इन यूरो कप 2024, एक यूरो कप था, इसने इस वीडियो में यही बताया गया और इसने थंबनेल भी इसी टाइप का बनाया गया, देखो ये भी बनाया आई क्राइड बिकॉज, ये इसने बताया गया। अब इसमें से हमें मेन पार्ट लेना है, सारा पार्ट नहीं लेना, इस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करना मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो भाई स्ट्राइक विस्ट्राइक लग जाएगी। डाउनलोड मैंने कर लिया है और यहाँ पे ये वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दी है क्योंकि ये मेरा टूल है, आपका भी कोई भी टूल होगा वो डाउनलोड डाल देनी है। अब ये पूरी की पूरी यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, आप देखने की कोशिश करोगे तो ये 8 मिनट की वीडियो है, बट आपको क्या करना है, पहले सुनना है इसको। देखो इसमें आवाज भी है, सब कुछ है, पहले इसमें सुनना है। मान लिया इसने यहाँ से बताया कि आपको जो है थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ से इसने ये बताया, हमने यहाँ से कट लगा दिया, ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हमने कट लगाया यहाँ पे, कट लगाने के बाद में और मान लिया आपको 1 मिनट तक लेना है बस, ज्यादा नहीं, 1 या 2 मिनट तक, 2 मिनट से ऊपर नहीं ले जाना, ठीक है, 1.5 मिनट तक भी फिनिश कर सकते हो यहाँ पे, मान लिया आपकी वो बात खत्म होगी। मतलब इस वीडियो में इसने बताया है कि मैं क्यों रोया था, कैसे रोया था, मेरे अंदर क्या बात आ गई थी, ये वीडियो आपको थोड़ी समझ लेनी है। वैसे बहुत सारे
टूल आते हैं जो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए एक चीज बनाई है, यहाँ पे जरा देखिए। मैंने गूगल यहाँ पे ऑलरेडी एक गूगल ट्रांसलेट खोला रखा है, मैंने इसके बारे में पढ़ा, सोचा और एज्यूम किया। इसने बताया मैं दुनिया में बहुत बड़ा प्लेयर हूँ और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था, मैं मैच में कुछ खास नहीं कर पा रहा था। जब मुझे लगा आज मैं चाहकर भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ, फिर अचानक से गोल हो गया, उसके बाद मैं रोने लगा। तो मान लिया जाए इसने ये स्टोरी बताई थी, तो ये चीज आपको कॉपी करनी है। ये आपका क्या हो गया, टेक्स्ट कॉपी हो गया ये आपका, ठीक है। ये हिंदी में लिखा था मैंने और ये क्या हुआ, इंग्लिश में आ गया। अब इंग्लिश में कॉपी करना है आपको। अब भाई यूएसए चैनल बेस बना रहे हो तो इंग्लिश में करना पड़ेगा। अब इसको आपको आवाज में कन्वर्ट करना है, आपको बोल रहा हूँ आवाज में कन्वर्ट करना है। अब आवाज के लिए इसको कॉपी करके आपको एक मैं एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि प्ले स्टोर का है, ये वाला एप्लीकेशन है। इसमें टेक्स्ट टू स्पीच है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये कॉपी करके वहां पे डाल देना है। ये वाला आपको कॉपी करके डाल देना है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही बनाना है और उसके बाद आपके पास एक वॉइस आ जाएगी। अब वॉइस जो आएगी वो वॉइस आपको यहाँ पे, इस वॉइस को तो म्यूट करना है, ये वाले जो नीचे वाली म्यूट है म्यूट हो गई। अगर आप चला के देखोगे इसमें सिर्फ इसका वीडियोग्राफी रखी। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना है आपको, मान लिया ऐसे नहीं रखना आपको बिल्कुल कि आपने ऐसे रख दिया, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा बहुत बड़ा करना है, ऐसे थोड़ा बहुत इफेक्ट लगा लेना है, ऐसे ऊपर नीचे करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसमें लगाना है। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप पूरी वीडियो उठा के डालोगे तो आपको स्ट्राइक आएगी, बट आपको क्या करना है, एक मिनट की, 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, वैसे तो मैं 1.5 मिनट की ले लिया है, बट इसने 30 सेकंड में ही काम कर दिया था अपना। 30 सेकंड के लिए आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा। आप चाहे तो शॉर्ट का भी चैनल बना सकते हो, बहुत सारे लोग शॉर्ट का भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये है, ये तो मेरा लॉन्ग का है। अब जो आपकी वॉइस होगी, ठीक है, ये तो मैं अपने म्यूट कर देता। अब जो आपकी वॉइस होगी वो यहाँ पे आपको लगा देनी है, ठीक है। मान लिया ये वाली वॉइस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अनलिक कर देता हूँ। मान लिया ये वॉइस है, ये वॉइस आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। वॉइस मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, वो वॉइस आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है और पुराने वाली जो इसकी वॉइस है वो म्यूट कर देनी है। अब आपको करना है फाइल में जाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फाइल में जाना है आपको और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, यानी कि ये वीडियो आपको कुल मिला के एक्सपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मेरा एक्सपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब वीडियो एक्सपोर्ट हो चुके हैं, यानी कि आपका कोई ना तो फेस है ना कोई वॉइस है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, वॉइस किसी की है, फेस किसी का है। तो अब आपको अपने यूट्यूब चैनल पे जो बनाया है आपने उस पे डालना, ठीक है। इस पे डालने के लिए आपको यहाँ पे अगर देखने कोशिश करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट का और यहाँ पे अपलोड वीडियो का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फाइल है कि आपकी वीडियो कहाँ रखी है, जहाँ आपने बनाई है, कहाँ एक्सपोर्ट करी है आपने, तो ये वाली वीडियो है कहाँ गई, ये रही। उसके बाद ओपन पे क्लिक कर रहे हैं। ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसमें लिखना है द रियल रीजन व्हाई क्राइड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है इन यूरो कप 2024, थोड़ा बहुत चेंज कर देना है आपको और क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, डिस्क्रिप्शन के साथ अलग है चैट जीपीटी से, भाई सारा काम चैट जीपीटी कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको लिख देना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो व्हाई क्राइड वीडियो डिस्क्रिप्शन, हमने ये डाल दिया है यहाँ पे। अभी हमें कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमोशनल ये वो शो इसने लिख दिया, व्हाई ही क्राइड, तो यहाँ पे मोस्ट मोबाइल ये इसने डाल दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है इसको, अब ये चीज हमें कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद में यहाँ से हमें कॉपी कर लिया और उसके बाद में यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ जाना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात है थंबनेल बनाने की। अब थंबनेल आपको कैसे बनाना पड़ेगा, थंबनेल के लिए भी हम सीधी बात है गूगल का सारा लेंगे हम। यहाँ पे हम जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्राई इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है, तो ये बंदा रो रहा है यहाँ पे, ये देखो किस तरह से रो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखने कोशिश करोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस ये इमेज थी और ये देखो, और यहाँ पे भी ये रो रहा है, यहाँ पे भी रो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे है यहाँ पे रोने वाले सिस्टम, ये देखो ये भी रोने वाला है। तो देखो ये इमेज हमें यहाँ पे मिल गई है और इसको हमें सेव करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, अब हमें कैनवा में जाना है, रोने वाली इमेज हमें मिल गई है। अब कैनवा पे जाके हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्रिएटेड डिजाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे है यूट्यूब थंबनेल, अब यूट्यूब थंबनेल पे जाना है हमें। उसके बाद हमारे पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें लिखना है, बनाना है। तो मान लिया हमें ये वाली इमेज हमें पसंद आई है, ये वाली, तो ये वाली हमने आ गया, तो इस बंदे को तो हटाना पड़ेगा, हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इस भाई को अपलोड पे जाएंगे और अपलोड पे जाएंगे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रोने वाली इमेज को हम लेके आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ऐसे। अब आपको लग रहा होगा इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो हो गई है, पिक्सल फट रहे हैं इसके, तो हम पिक्सल फट रहे हैं तो इसके क्या करेंगे, तो हम क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे लो क्वालिटी टू हाई क्वालिटी इमेज, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे अगर हमें मिल जाता है थोड़ा बहुत चांस, तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा हम
स्टार फ्री अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इमेज को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास थोड़ा सा क्रेडिट है यस, तो यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी मिली है हमें, इनहेंस क्वालिटी ऑन। अब हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। तो डाउनलोड हो चुका है हमारा, तो अब हमें क्या करना है, दोबारा से वहीं पे जाना है और इसको हटा के दोबारा से वही वीडियो अपलोड पे जाना है और अपलोड पे जाके यहाँ पे हमें इसको ओके कर देना है और यही वीडियो हमें यहाँ पे ले यही फोटो हमें यहाँ पे ले लेनी है। अभी देखो थोड़ा क्वालिटी बेहतर हो गई है। अब बिजी रिमूव में क्लिक करना है। बिजी रिमूव में क्लिक इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीमियम वर्जन ले रखा है इसका। तो अब यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना, ये लोगो वगैरह हटाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्राइंग की कोई वो लगानी पड़ेगी इमेज, ठीक है, क्राई इमोजी ऐसा हमें सर्च करना पड़ेगा। तो क्राई इमोजी आ चुका है तो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा और इसको बढ़ा देंगे और यहाँ पे जो है ना अपने हिसाब से हम लगा देंगे फुटबॉल वगैरह भी, जो भी होती है फुटबॉल थोड़ा लगा देंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे फुटबॉल लिखेंगे हम, फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फुटबॉल्स आ जाएंगी। तो देखो कितने सारे फुटबॉल के आ गए हैं यहाँ पे। पीएनजी इमेज भी है, वैसे भी है, सारी इमेजेस हैं यहाँ पे। तो जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। तो अब हम इसको लेके आगे चुके हैं। अब थोड़ी सी चीज और बताऊंगा आपको जो कि काफी सारे लोगों को नहीं पता। वैसे मैं प्रॉपर थंबनेल के लिए अलग बताऊंगा। यहाँ पे एक ब्लैक फेड आएगा, ठीक है, ब्लैक फेड के नाम से एक यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। तो इसका क्या फायदा होता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये आ जाता है ऐसे, ठीक है। और अब इसको उठा के मैं थोड़ा सा ऐसे करूंगा और थोड़ा सा इसको ऐसे करूंगा ऐसे। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसपेरेंसी कर दूंगा। अब पीछे भी दिख रहा है, मतलब क्या चल रहा है। अब इसको बैक एंड में भेज दूंगा, पोजिशन में जाऊंगा, बैक में जाऊंगा ऐसे और ऊपर कर दूंगा इसको। अब यहाँ पे बोलना लिखना है मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्राई, ठीक है। तो कैसे, और यहाँ पे जाऊंगा और इसको यहाँ पे इसको लिख दूंगा और ओहो क्या हो रहा है। बट इसका जो आइकन है ये सही से नहीं आ रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। इफेक्ट्स में जाएंगे, नॉर्मल पे जाएंगे, तो ये आ गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है ना। तो अभी भी इसको हम हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करेंगे दोबारा से, तो इसको भी हम वाइट करने वाले हैं। तो ऐसे आपको लिखना है, इमेज में जाना है, इसकी सेटिंग कर देना है ऐसे, और यहाँ पे जाना है, थोड़ा सा कलर इसमें डाल देना है आपको ऐसे, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है ट्रांसपेरेंसी। तो ये हो चुका है। इसी तरह आपको इसमें जाना है, यहाँ पे भी आपको ब्लैक करना है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में जाके आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब यहाँ पे लिखेंगे क्राइड, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग मुझे एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ऐसे कर दूंगा। भाई इस वीडियो पे व्यूज आ जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे जो है ना ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख देना क्राइड और इसको भी थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देना। पर इसका कलर हमें चेंज करना है, इसको यहाँ पे जाना है और इसको मुझे व्हाइट पे लेना है और पीछे वाला जो कलर है इसको रेड ले लेते। देखो मजा आएगा, ऐसी बात नहीं है, देखो। और इसका जो है ना यहाँ पे जो है ना, अगर सर्कल आपको लेना है राउंड में तो यहाँ पे 2% आप ले सकते हो ऐसे, और उसके बाद क्राइड पे यहाँ पे चले जाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है आपको, यहाँ लिखना है वाई और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे। अच्छा, और कुछ अगर लगाना चाहे, ओ एक चीज आगे मेरे बात अभी आई आपके सामने। देखो यहाँ पे जो है ना ये कलर है किसका है, फुटबॉल का जो मैच होता है इसका होता है। इसको बैकग्राउंड में लेके जाएंगे, मजा आ जाएगा। ये देखो है ना, आ गया ना मजा, ये देखो ऊपर की तरफ ये मजा आ गया इसका, ठीक है। इसका मतलब यही लग रहा है कि हाँ भाई ये इस टाइम ग्राउंड में है, तो वाई क्राइड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। यहाँ पे जेपीजी में जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। मैंने आपको ए टू जेड बताया, मैं कभी कोई ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ, सीधा आपको बता दिया, आप आराम से देख के इसको कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका थंबनेल रेडी हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। बट भाई यहाँ पे देखो मैं वेरीफाइड नहीं कर सकता, बार बार आपको चैनल बना के बताता हूँ। तो जब ये वेरीफाइड हो जाएगा तो आप अपना यहाँ पे थंबनेल लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद सो मोर पे जाओगे तो यहाँ पे नीचे तरफ जाओगे, यहाँ पे जो है ना आपको टैक्स डालने हैं। अब टैक्स जो है ना जो आपको डालने हैं, सबसे पहले तो आपको चैनल का नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है यूएसए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे इसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्राइंग के लिए आपको टैग्स डालने हैं। तो आपको एक टैग्स बता रहा हूँ, रैपिड टैग्स के नाम से है। और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। तो हमने यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्राइड डाला था तो कई सारे आ गया। देखो यहाँ पे रोनाल्डो मैक्स फैन रिएक्शन, ये इंटरव्यू, ठीक है। तो ये आपको कॉपी कर लेना है, जो भी टैग्स आपको दे रहा है इस तरह से कॉपी कर लेना है आपको, और कॉपी करके आपको वहीं पे जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको डाल देना, पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए बहुत सारी चीजें आ चुकी है, क्राइंग भी आ चुका है, और अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। जो टाइटल हमने डाला था वो टाइटल आपको यहाँ से उठाना है ऐसे, यहाँ से आपको कॉपी करना है,
और नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अनलिस्टेड में करना है, काफी सारे लोग अनलिस्टेड में नहीं करते, तो आपको अनलिस्टेड पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो आपका ये काम बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आपको अगर पब्लिश करना है तो अभी तो इसका थंबनेल नहीं लग पाएगा, पर आपको थंबनेल लगा लेना है और यहाँ पे ना थंबनेल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है, डन पे क्लिक कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं, हमारी वीडियो जब पब्लिश हो चुकी है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यूट्यूब योर चैनल पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी 3 मिनट पहले। अब इस वीडियो पे व्यूज भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर देखो कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। यूएसए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये वो सो, कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम से पूरा प्रोफेशनल बन गया है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी वॉइस आपकी नहीं है, आपका फेस नहीं है, सारा तरीका मैंने बता दिया है। तो इस तरह से आप काम करिए, आप फ्रेश माइंड से सुबह ही बैठिए और दोपहर तक, अगर आपका थोड़ा सा तेज चलता है तो दोपहर तक आप ये काम कर लोगे, 30 वीडियो बना लोगे, एक ही दिन में बना लोगे। अगर हाफ दिन में ना बन पाए, पूरे एक दिन में तो बना ही लोगे। बना के शेड्यूल कर दो भाई, यही होता है यूएसए चैनल बेस से पैसा कमाने के लिए। और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कमा भी रहे हैं। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। मैंने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना रखा है, बिल्कुल प्राइवेट है, उसमें सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट को ही रखता हूँ। अगर आप वाकई में मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप एक प्राइवेट तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा टेक होप चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और एक कमेंट जरूर से करना। फिर अगले वाली वीडियो में आपको प्राइवेट चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आप सारे ज्वाइन हो जाने। अच्छे अच्छे मटेरियल भी देता हूँ और जो वीडियो में यूज होता है वो भी देता हूँ, और ये चीजें बना रहा हूँ ना, ये भी मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, ठीक है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।